क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमल चैनल हिंदी में। अगर आप अपने पेट को बहुत प्यार करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो एनिमल चैनल हिंदी आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगा। सब्सक्राइब करें अभी इस चैनल को और हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आपके लिए इस बार लेके आए हैं वो है कंपैरिजन वीडियोस। तो हम दोनों डॉग को कंपेयर करेंगे उनकी चीजों के लिए क्या। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कंपैरिजन बिटवीन जर्मन शेपर्ड एंड लैब्राडोर। तो दोस्तों, पहले हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। तो दोनों की लाइफ स्पैन अलग है, 1-2 साल का फर्क है। अगर हम जर्मन शेपर्ड की बात करें तो वो 11 से 12 साल की उम्र तक जीता है, वेयर एज जो लैब्राडोर है वो 13 से 14 साल की उम्र तक जीता है। अब साइज की दोनों की बात करें तो दोनों लार्ज डॉग ब्रीड्स में आते हैं, दोनों ही लार्ज डॉग ब्रीड्स में हैं। अवेलेबिलिटी मतलब ये कितने पाए जाते हैं, ईजी टू गेट है, ये आपको मिल जाएंगे। और अब आपके बारे में बात करते हैं कि मेंटेनेंस और एफर्ट कितना चाहिए, आप कितना मेंटेनेंस और एफर्ट देंगे इन दोनों डॉग को। जो बात है, अब बाथिंग की बात करते हैं तो ये बहुत रेयर है जर्मन शेपर्ड में, रेगुलर बेसिस पे है, मतलब ये इन्हें नहाना धोना पसंद है लैब्राडोर को। वेयर एज अब एफर्ट्स की बात करें, रेगुलर ग्रूमिंग चाहिए जर्मन शेपर्ड को, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेटरनिटी अटेंशन रेगुलर चाहिए। ये थी जर्मन शेपर्ड के लिए। अब है लैब्राडोर, इन्हें रेगुलर ब्रशिंग चाहिए, हैवी एक्सरसाइज एंड वेटरनरी एक्शन, मतलब दोनों का सेम ही है अगर हम मेंटेनेंस एफर्ट की बात करें। अब फूड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दोनों के लिए हाई फूड एक्सपेंडिचर है। और ग्रूमर मतलब बाल कटवाने के लिए आप कितना लेके जाएंगे, मीडियम है दोनों। मतलब कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा। अब मंथली जो कीपिंग इनके लिए जितना एवरेज आता है दोनों के लिए 8,000 तक आएगा, मतलब अगर आप इनकी ग्रूमिंग की बात करें, मेडिसिन की बात करें। अब हम बात करते हैं कि हेयर एंड कोट कैसा होता है। जो जर्मन शेपर्ड है उनका कोट डेंस होता है, वेयर एज जो लैब्राडोर है उनका जो कोट है वो शॉर्ट एंड डेंस है। बाइट दोनों की ठीक है, बाइट मतलब कितना बाइट साइज है इनका। गाइड डॉग दोनों गाइड डॉग है, यस अंडर कोट भी है दोनों में। हेयर डेंसिटी मैंने बताया, हेयर डेंसिटी ज़्यादा, हेयर लेंथ इनकी मीडियम होती है। हेल्थ प्रोन टू ओबेसिटी लैब्राडोर होते हैं, ओबीस होने के ज़्यादा चांसेस हैं लैब्राडोर के, वेयर एज जर्मन शेपर्ड के ओबीस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं एफिनिटी टू वाटर, मतलब कैसा बिहेव करते हैं वाटर के साथ। मतलब जर्मन शेपर्ड को थोड़ा कम पसंद है पानी के साथ खेलना, तभी रेयर है बाथिंग। और जो बिहेवियर है इनका लैब्राडोर का पानी के साथ बहुत अच्छा है। फ्रेंडलीनेस जो बेस्ट बडी डॉग है वो लैब्राडोर को बोला गया। अगर घर में आपके बच्चे हैं तो लैब्राडोर के साथ वो ज़्यादा घुल मिल पाएंगे। वेयर एज जर्मन शेपर्ड, देखिए आपको जर्मन शेपर्ड को थोड़ा सोशलाइज बनाना पड़ेगा, बांध के कम रखना पड़ेगा। तो यही है दोनों के लिए।